शालो ग्रीडिंग टू ऑल इन द मैच्लॉर एंड सेव Jesus क्राइस्ट परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबका स्वागत है और एक बार से फिर मैं बहुत ही खुश हूँ आप सबके सामने आकर विद प्रोग्राम इस कार्यक्रम के साथ लर्न ही ब्रो लर्न हीनर और मैं सारी आदर और सारी महिमा our Almighty God. हमारे महान परमेश्वर को देता हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ loving काइंडनेस एंड ऑफ His ग्रेस और ये केवल उसकी दया और उसके अनुग्रह के कारण हैसेद एंड केन और उसके हैसेद और उसके केन के द्वारा दैट आई एम एबल टू कम इन फ्रंट ऑफ यू ऑल एंड टीच

को सिखा सकूँजल और हम देखते हैं कि पुराने नियम में परमेश्वर ने इस भाषा में लोगों से बातचीत की इट इज द लैंग्वेज विच जीजस क्राइस्ट स्पोक वैल ई वॉज टॉकिंग टू अपोस्टल पॉल और हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो अपने प्रेरित पालोस के साथ इसी भाषा में बातचीत की एंड दिस इज द लैंग्वेज विच वी सी दैट जॉन द अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट हर्ड बीइंग इन फटमस अबाउट इन हेवन इनब्रू लैंग्वेज और इसी भाषा में हम देखते हैं कि यूना जो कि परमेश्वर का एक दास था उसने स्वर्ग के दर्शन को पाया वो भाषा यही थी इट्स so वो थी ब्रानी भाषा दटन आई कंसिडर इट्स प्रिवलेज गॉड हेज गिंट ऑफ यू ऑल एंड टीच दिस हिब्रू लैंग्वेज और इसीलिए समय को मैं एक सौभाग्य के रूप में अपने जीवन में लेता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे अनुग्रह किया कि मैं आपको इस भाषा को सिखा सकूं। As well, और जैसे कि I give all thanks to all the viewers of your love and interest in watching this program and learning this language. और मैं सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूं आपके प्रेम के लिए आपके उत्साह के लिए जो आप इस भाषा को

और अपने एस एस को भेजते हैं इस कार्यक्रम के प्रति और मुझे कॉल भी करते हैं वेल वी हैव बीन लर्निंग अबाउट और जैसे कि आप जानते हैं कि हम सीख रहे हैं हशरोत हा हसर हशरत हा दबरो, विच इज अबाउट व्हिच विच गाड गिवन टू द पीपल ऑफ इजराइल through Moses. और जिसका अर्थ है कि वो दस आज्ञाएं जो कि परमेश्वर ने दी मूसा को इसराइल के लोगों के लिए Even the word commandments और जिसका अर्थ है कि आज्ञाएं the और ने the God, और that you know the commandments, और इन आज्ञाओं को दिया के अनुग्रह से हमने जो दस आज्ञाओं को सीखना शुरू किया था And in the last episode we have learned the एपिसोड commandment. और जो पिछले कार्यक्रम में हमने आठवीं आज्ञा को देख था द कमांडमेंट दमांडमेंट गॉड एट गिवन टू और वो आज्ञा जो परमेश्वर ने उन्हें दी थी दैट यू नो नॉट स्टील और जिसका अर्थ था कि तू चोरी न करना लो टिग्नो

जो दावा करती हैं कि ये मेरी है so that is, comes under the stealing. और ये चोरी के जो अधीन आता है। एंड ऑल्सो दर्ड कम्स फ्रॉम द सेम वर्ड विच इज अबाउट टू किडनेप और जो uh, चोरी का शब्द भी जो अपहरण के द्वारा ही आता है एंड बाइबल से नहीं बड़ी एंड दैट पर्सन डेथ और बाइबल कहती है कि यदि कोई किसी व्यक्ति का अपहरण करता है तो उसको मृत्यु का दंड देना चाहिए so today, और आज हम जो नौवीं आज्ञा को देखेंगे जो कि परमेश्वर ने इसराइल के लोगों को मूसा के द्वारा दी नाइन विच इज दरिकल वैल्यू इज दिनती संख्या है वो है नौ So, तेथ, तेथ, in the numerical value वैल्यू इट्स नंबर nine. और इसकी जो गिनती संख्या है वो है नंबर नौ

अगेंस्ट योबर तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना सॉरी नॉट बेयर ए फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर और इस प्रकार हम इसे कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध में जूठी साक्षी ना देना एंड नाउ व्हाट इट इज इन द हिब्रू लैंग्वेज और इब्रानी भाषा में इसे किस प्रकार बोलते हैं एंड व्हेन वी ट्रांसलेटरेट दिस वन और जब हम इसका जो अनुवाद करते हैं सो वेयर वी सी इट इज द लो और ये है लो व्हिच इज द लामित जो कि है लामे एंड देन होलम होलम एंड देन वी सी अबाउट आलेव और फिर है आलेव लो व्हिच इज नो और नॉट और लो जिसका अर्थ है कि नहीं या ना उट दिफिक्स टू दी नाउन और यहाँ पे जो प्रिफिक्स है जो की विशेषण के लिए हम उपयोग करते हैं एंड ऑल्सो फॉर वर्ब और वर्ब के लिए सो हियर इनो वी सी इट इज दर्ड लाइक इन विच इज टी टाओ जो की टी है एंड देन पाथा पाथा विच इज ए जो की ए है एंड देन आइन आइन एंड देनर वी सी इट इज द कंपोजिट शिवाच इज दर्टिव पाटा और यहाँ पे कंपोजिट शिवा है जो की है आर्टिफ पाटा आर्टिव पाटा विच इज ए जो की है एंड एन जो की एन एंडर इट इज से विच इज ई जो की है ई एंड हे और फिर हे सो लो टाने लो टाने नाउ नेक्स्ट विच वी कम टू हियर एंड इट इज द Which is B, जो है बी एंड देन शेवा और फिर शेवा विच इज ई जो कि है ई एंड रेश और फिर रेश, and then what is this? और ये क्या है दिस इज ए सरे और ये है सरे so e, कि है ई एंड देन आइन और फिर आइन विच इज साइल विच हैज नो साउंड वो यहाँ पे साइलेंट है जिसका कोई आवाज नहीं And then we see here. It और यहाँ पे हम देखते हैं पाटा पाटा एंड देन वी सी अबाउट द फाइनल फॉर्म ऑफ काफ और फिर काफ की फाइनल फॉर्म है विच इज के एच एंड देन ए और वो है के एच और ए सो so, लो ता अने लो ता अने बेरेखा बेरेखा लोट ता अने बेरेखा लो ता अने बेरेखा एंड नाउ हियर वी सी इट इज आइन और यहाँ पे आप देख सकते हैं वो है आइन आइन विच इज टू से एज साइलेंट और जो यहाँ पे साइलेंट है एंड देन हियर इट इज द सरे और यहाँ पे सरे है एंड देन दाले और फिर दाले सो एथ एड 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 एंड नाउ द लास्ट वर्ड और जो अंतिम अक्षर है दैट यू नो वी सी हियर इट इज और ये यहाँ पे है इट इज शीन ये हैबाउट एस फाटा और, uh, और, uh, और यहाँ पे हम देखते हैं पाटा एंड देन इट इज द रेस्ट और ये है रेस टोटल इफ यू रीड दिस सेंटेंस लाइक दिस और यदि आप इसे कुल मिल, मिला के पढ़े तो ये वाक्य बनता है द सेंटेंस इट से लोटा अने लोटा अने बेरेखा बेरेखा एड एड शेखर शेखर इज और किस प्रकार से है ये लोटा अने लोटा अने बेरेखा बेरेखा बेरे एड एड शेखर शेख वेर नेबर और परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तू अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी साक्षी ना देना सो so, you know वेन वी ब्रेक ऑफ दिस वर्ड और जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं, एंड देर यू नो वी सी वॉट एक्चुअली द लॉर्ड meant वेन ही सेट ऑफ दिस और जब हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने जब इस को कहा तो उसका सही में अर्थ क्या है इट इज लाइक यू नो वी टेक द वर्ड और जब हम इस शब्द को लेते हैं लाइक यू नो लो लो इज नॉट और जिसका अर्थ है कि नहीं से दाउ नॉट और उसका अर्थ है कि तू ना करना दाउ शैल नॉट और तू ना करना एंड देन द वर्ड फॉर बेयर और फिर जो uh, बेयर के लिए शब्द है द वर्ड फॉर बेयर इज अने और वो शब्द है अने बेसिकली इट इज अ वर्ड एज अना और जो वास्तव में वो शब्द है अना 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 बट हियर वी सी और लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं अनेट इज वर्ड बेयर और वो है शब्द बेयर एंड देन इनोवी सी हियर द नेक्स्ट वर्ड वी सी और जो अगला शब्द हम देखते हैं वो है इट इज बेरे, 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 बेरे खा बेरे खा which is to say इज टू से नेबर और उसका अर्थ है कि पड़ोसी इट्स अ नेबर और पड़ोसी एंड देन वी सी अबाउट द वर्ड एड और फिर हम देखते हैं शब्द एड को एड मीन्स विटनेस और उसका अर्थ है कि साक्षी देना एड मीन्स विटनेस और उसका अर्थ है कि साक्षी या गवाही एंड देन वी सी अबाउट शखर और फिर हम देखते हैं शखर 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 विच मींस फॉल्स और जिसका अर्थ है कि झूठा लो 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 दू शेल नॉट और तू ना करना एंड देन यू नो टाने टा अने टा अने विच इज बेयर और जिसका अर्थ है कि बेर एंड देन इन सी बे रेखा और फिर हम देखते हैं बे रेखा बेरेखा विच मीन्स नेबर और बेरेखा जिसका अर्थ है कि पड़ोसी then, एद, और फिर अर्थ है कि साक्षी एंड शेखा शेखा विच मीन्स फॉल्स और जिसका अर्थ है कि झूठा एज वी नो दैट और जैसे कि हम जानते हैं द सील ऑफ गॉड और जो परमेश्वर की मोहर द सील ऑफ जो परमेश्वर की मोहर है वो सच्ची है इट इज वेन वी से अबाउट द सील ऑफ गॉड गॉड से जब हम कहते हैं की परमेश्वर की मोहर तो परमेश्वर कहता है की जो मेरी मोहर है वो सच्ची है बिकॉज क्योंकि गॉड्स वर्ड इज ट्रूथ परमेश्वर के जो वचन है वो हैं वो सच्चे हैं बिकॉज क्योंकि गॉड्स वेज आर ट्रूथ परमेश्वर के मार्ग सच्चे हैं एंड वट एवर दट गॉड जो कुछ परमेश्वर करता है ही डस और वो सच्चा करता है ही इज अ ट्रूथफुल गॉड और वो सच्चा परमेश्वर है एंड ही नेवर से एनी लाई और वो कभी भी झूठ नहीं बोलता बिकॉज क्योंकि इफ यू रीड इन नंबर ट्वेंटी थ्री नाइनटीन और यदि आप पढ़े गिनतियां तेईस का उन्नीस देर इो इन ट्वेंटी थ्री नाइनटीन इट से वहाँ पे 23 का 19 में लिखा है ही इज नॉट ए मैन टू लाइक और वो जो मनुष्य नहीं कि झूठ बोले गॉड so, नेवर you know, और परमेश्वर कभी भी झूठ नहीं कहता His word never lies. और उसके जो वचन कभी भी झूठे नहीं होते गॉड नेवर लाइस और परमेश्वर झूठ नहीं बोलता That's the रीजन और यही कारण है God's वर्ड नेवर lies। और उसके जो शब्द हैं वो भी झूठे नहीं व्हाट और जो कुछ भी परमेश्वर कहता है इट हैपन्स और वो होता है व्हाट एवर दट गॉड सेज जो कुछ परमेश्वर कहता he है विल ब्रिंग इट इन टू पास और वो उसे जो सत्य में लाता है एक्शन एंड ही विल डू व्हाट ही सेज और वो उन जो वचनों को कार्य में लाता है बिकॉज क्यूँकी फॉर गॉड टू लाइक और ये असंभव है, है परमेश्वर के लिए झूठ बोलना। so it is impossible for Him to lie. और परमेश्वर के लिए झूठ बोलना असंभव गॉड so और वो परमेश्वर एक्सपेक्ट us और वो हमसे जो चाहता है that ऑलवेज वी नीड टू बी ए ट्रूथफुल पर्सन की हम हमेशा एक जो सच्चे व्यक्ति बने एंड वी नो दैट और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू द रेवल्यूशन चैप्टर ट्वेंटी वन और जो प्रकाशित व्याख्या अध्याय इक्कीस में बाइबल से बाइबल कहती है लायर्स झूठे they will be cast into the lake of fire or wo jo a ki jheel mein dale jayenge if you read in the psalms 15 aur yadi aap padhe bhajan sita 15 the bible says that aur bible kehti hai a liar cannot stay or dwell in the presence of the lord aur jhoote parmeshwar ki upasthiti mein nahi reh sakte if you read proverbs chapter 6 aur yadi aap padhe niti vachan 6 the bible says that aur bible kehti hai there are seven things which god

और जब मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में बता रहा हूँ लोटा एनिशे बेरखा सो दू नो आई एम टेलिंग इज दट नो गॉड टेल्स अस दैट यू शेल नॉट बेयर ए फॉल्स विटनेस अगेंस्ट योर नेबर और परमेश्वर हमसे कहते हैं कि तू अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी साक्षी ना देना बिकॉज यू शेल नॉट बेयर ए फॉल्स विकनेस अगेंस्ट योर नेबर और तू अपने पड़ोसी के विरोध में झूठी साक्षी को ना देना सो so बिकॉज क्योंकि गॉड इज ट्रूथ परमेश्वर सत्य है एज वी बीन लर्निंग एज फ्रॉम हिब्रू कॉन्सनेस और जैसे कि हम इब्रानी भाषा के अक्षरों से सीख रहे हैं बिकॉज द वर्ड ट्रूथ और जो शब्द है सत्य इट इजन फ्रॉम दिस this 22 consonants. और ये इन 22 अक्षरों में से लिया गया है द फर्स्ट लेटर और जो पहला अक्षर द मिडिल और जो बीच का अक्षर एंड द फाइनल और जो अंतिम अक्षर बिकॉज दर्ड ट्रूथ और ये जो शब्द है सत्य इट इज और वो है इट इज एमिट 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 इज दर्ड फॉर ट्रूथ और जो सच के लिए सत्य के लिए शब्द है इब्रानी में वो है अमिट फर्स्ट लेटर और जो पहला अक्षर है एंड इट इज एस अबाउट लास्ट लेटर इन दू और जो टाव है, you know, uh, है वो इन इब्रानी भाषा के बाई अक्षरों में से आखिरी अक्षर है सो दर्ड ट्रूथ द फर्स्ट कॉन्सनेंट मिडिल कॉन्सनेंट एंड लास्ट कॉन्सने और इसलिए सत्य के लिए जो शब्द है उसमें से हम देखते हैं कि इब्रानी भाषा का पहला अक्षर बीच का अक्षर और अंतिम अक्षर को बट यू नो वेन वी कम टू दर्ड फॉर फॉल्स और जब हम देखते हैं कि झूठा वर्ड फॉल्स और जो झूठा के लिए शब्द सो इट इज फ्रॉम द डाउन

आले बेत, बेट जीमेल जीमेल डालेत डाले हे हे वाव वाव जाइन जाइन टेत टेत यो यो खाफ क् लात ला मैम नून नून सामे सामे आईन आईन फे पे, पे सादे सादे गाफ, 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 रेश, 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 शीन ठाव टाव ओ यू आर एबल टू से और आप इसे कहने के योग्य हैं। ओके सो ना वेन वी लुक इन टू दिस ट्वेंटी टू कॉन्सनेस और जब हम इन बाईस एक्सो को देखते हैं पर्टिकुलरली वेन वी कम टू दिस लाइक यू नो टू से टाओ और जब हम खास तौर पे कहते हैं टाओ शिन शीन रेश रेश खौफ ओके यू सी दैट यू नो खौफ रेश शीन टाओ काफ रेन टा ओके सो नाउ यू नो व्हेन वी कम टू दिस वर्ड और जब हम इस शब्द को देखते हैं यू सी दैट यू नो इफ एस प्लेसमेंट इन प्लेस और इनकी अगर जो इधर उधर इन्हें लिखा जाए यू सी हियर हियर इज अ शीन और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शीन है एंड यू नो यू सी द काफ और यहाँ पे आप काफ को देख सकते हैं यू सी द रेश और आप रेश को देख सकते हैं हियर यू नो काफ शीन. और यहाँ पे काफ रेश और शीन सो यू नो इफ यू यदि आप इनको इधर उधर करके लिखे एंड you know, you know, आप देख सकते हैं कॉन्सडेंसो वी नीड टू राइट द कॉन्सडेंस इन ऑर्डरली मैनर और, और इसीलिए बहुत ही जरूरी है की जब आप अक्षरों को लिखते हैं तो आप उन्हें बहुत ही ध्यान से जो कर्म अनुसार लिखे सो so, इफ यू राइट इन रिवर्स मैनर और यदि आप इन्हें उल्टे क्रम में लिखे एंड देन यू नो वी सी दिंग भी आप देख सकते हैं की सारी जो बातें हैं वो बदल जाएंगी लाइक यू नो वाई आई एम टेलिंग यू दिस और क्यों मैं आपसे ये कह रहा हूँ बिकॉज क्यूँकी वेन वी गो एंड सी इन द बुक ऑफ लेमेंटेशन और जब हम हाँ बिलाब गीत की किताब को देखते हैं लाइक यू नो वी नो दैट This book got five chapters. और हम देखते हैं कि उसके पांच अध्याय हैं। Like you know, first chapter got 22 verses. और जो पहले अध्याय में वचन and second chapter got 22 वचन हैं एंड सेकंड चैप्टर गॉट 22 वर्सेस और जो दूसरे अध्याय में 22 वचन हैं एंड व्हेन यू सी द थर्ड चैप्टर और यदि आप तीसरे अध्याय को देखें एंड इट गॉट 66 वर्सेस और उसमें आप देखेंगे कि 66 वचन हैं एंड व्हेन यू सी द फोर्थ चैप्टर एंड फिफ्थ चैप्टर और यदि आप चौथे और पांचवे अध्याय को देखें एंड देयर यू नो वी सी इट गॉट ऑफ 22 वर्सेस एंड देन 22 वर्सेस और उसमें आप देखेंगे कि 22 वचन और 22 वचन को so entire of this book of lamentations is like you know written each consonant wise और जो आप देख सकते हैं कि वीरलाभ गीत के हर एक अध्याय को लाइक वर्स वन इज विद आलिफ और जो उसका वचन एक है वो आलिफ से शुरू होता है एंड वर्स टू इज विध बेथ और जो दूसरा वचन है वो बेथ से शुरू होता verse three है वर्स इज विद और जो तीसरा है वो गी से so, शुरू you know, होता है लाइक दैट यू नो वी सी और इस प्रकार से हम देख सकते हैं बट वेन वी गो इन टू दिस चैप्टर फोर एंड चैप्टर फाइव लेकिन यदि हम चौथे और पांचवे अध्याय को देखें देर सी इट इज रिटर्न इन दिस मैनर और आप देख सकते हैं कि उसे जो इस प्रकार से लिखा गया है इंस्टेड ऑफ कमिंग एस कॉफ रेशन और कॉफ रेश और शीन की जगह इट हैज़ बिगन विथ शीन कॉफ रेश वहाँ वो शुरू होता है चीन कॉफ और रेश से <laughs>

और जो भी हो हम देखते हैं नाइन्थ कमेंडमेंट और जो नौवीं आज्ञा में गॉड सेट और परमेश्वर ने कहा लो अने लो अने बेरे खा बेरे खा एट एट शखार शखर सो नाउ ओनली दिस इज द कमेंडमेंट दैट यू नो वी हैव सीन और ये आज्ञा को जो हमने आज देखा बट नो वेन वी

और हम इसके अर्थ को देखेंगे जब परमेश्वर ने हमें इस आज्ञा को दिया है जस्ट रिमेम्बर द कमेंटमेंट और ये इस आज्ञा को याद रखे लो लो अने टा अने बरेखा बरेखा एट एट शेखर शेखर लो लो टा अने टा अने बरेखा बरेखा एट एट शेखर शेख इफ यू लाइक दिस प्रोग्राम और यदि आप इस कार्यक्रम को पसंद कर इफ यू हैनी सजेश्स एंड फीडबैक्स और यदि कोई भी सुझाव कोई भी फीडबैक आपके पास है यू कैन सेंड टू द नंबर दैट यू सी ऑन स्क्रीन और यू कैन कॉल एंड टॉक टू मी डायरेक्टली और आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे सीधे संपर्क कर सकते हैं यू कैन सेंड अस योर मैसेजेस और आप अपने मैसेज को भेज सकते हैं वॉच दिस प्रोग्राम और लगातार इस कार्यक्रम को देखते रहें एंड बी इन टच विध अस और हमारे साथ संपर्क में बने रहे प्रे फॉर दिस प्रोग्राम और इस कार्यक्रम के लिए प्रार्थना करते रहे द लॉर्ड ब्लेस यू ऑल और परमेश्वर आप सबको आशीष दे एंड बी विथ यू ऑल और आप सबके साथ हो शालोम shaaloon tàwùtọ̀rọ̀.